और ख़बर आपको श्रावस्ती से बता दें, श्रावस्ती में मौसम काफ़ी ख़राब, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं करीब एक हफ्ते से, और तेज़ हवा चलने की वजह से कई जगह पर अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं। कल श्रावस्ती नबीन माणन थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई पट्टी के पीछे खरगुपुर गांव में दिन में 12-1 बजे के करीब आग लग गई, तो वहीं हमारे श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ रतनपुर गांव में भी उसी वक्त आग लग गई। बताया जाता है कि यहां पर करीब एक दर्जन से अधिक घर जल करके राख हो गए हैं। जो रेस्क्यू की टीम है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं मौके पर पहुंची हैं। ग्रामीणों ने और फायर ब्रिगेड के टीम ने मिल करके कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गरीब परिवार रहते हैं। रतनपुर गाँव का ये मामला है, बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जो कुछ घर में घर गृहस्थी का सामान था पूरा जल करके राख हो गया है। एक ही समय पर दो दो जगह अग्निकांड की घटनाएं हुई। एक श्रावस्ती जनपद के नवीन माणन थाना क्षेत्र अंतर्गत खरगुपुर गांव में घटना हुई, जहां पर करीब आधा दर्जन घर जले हैं। तो उसी वक्त आपको बता दें कि दूसरी अग्निकांड की जो घटना हुई श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ रतनपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पर हुई। वहाँ पर भी बताया जाता है तकरीबन एक दर्जन से अधिक घर जले हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझा रही हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तेज़ हवा चलने के कारण आपको बता दें कि आग धीरे धीरे एक घर से दूसरे घर में फैलती गई, और देखते देखते यहाँ पर कई घर जो है जल करके राख हुए। जिसके हाथ में जो कुछ लगा वो अपना सामान समेट कर बाहर फेंकने लगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत सारा सामान जल गया है। ऐसे में गांव वाले प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन यहां पर पहुंच करके क्षति का आकलन कर दें और जिनका नुकसान हुआ है उनको कुछ राहत पैकेज जो है उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि अब जो है इनके सिर पर क्षति नहीं रही। कल तक अपने घर में सब लोग आराम से सो रहे थे, लेकिन कहीं से अज्ञात कारणों से आग लग गई, और देखते ही देखते पूरा का पूरा इलाका जो रतनपुर गांव बताया जाता है साफ हो गया। कई फूस के मकान इसमें जल गए।